नमस्कार, मैं जंगीर चौहान, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। जोधपुर क्लीन एंड ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत घंटाघर में नुक्कड़ नाटक द्वारा स्वच्छ का संदेश दिया, जिसमें किस तरह काट रहे पेड़ पौधों को बचाया जाए और कई कथानकों के माध्यम से कलाकारों ने प्लास्टिक पन्नियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी दी। इस नाटक को दलहन के लिए नए युवकों की भीड़ काफी रही। नुक्कड़ नाटक के आयोजक अभिनव गुरुकुल के व्यवस्थापक अरु और स्वाति व्यास ने बताया कि स्वच्छ के मिशन को जन जन तक पहुंचने के लिए ऐसे और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान से कैफे रॉयल JCI जोधपुर युवा शक्ति के प्रेसिडेंट अक्षय नायर, रवि सेन, निखल प्रमोद और JCI जोधपुर वीमेन पावर के प्रेसिडेंट प्रियंका सेन व अन्य मेंबर जुड़े। इस कार्यक्रम में अभिनव गुरुकुल टीम से जयंत, हिमांशु, ईशांत, प्रफुल्ल, सुधांशु, अशोक, अदिति, दीपिका ने भी नाटक प्रस्तुत किया। ये घर के दरवाजे क्यों फंस रहे हैं? अब क्या बताएं बहन जी आपको, हमारी तो हालत ही खराब हो गई है। क्यों? अरे इस घर की मालकिन ने हमारा जीना हराम कर रखा है। कैसे? अरे वो आज भी लकड़ी का चूल्हा जलाती है और पूरे घर में गंदगी करती है। और उस लकड़ी के चूल्हे से जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं से हम घर की सारी दीवारें काली। देखो तो बेचारी घर की दीवारें भी खाती है। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के बारे में। बिल्कुल, वाव जोधपुर एक अच्छा इनिशिएटिव है कैफे रॉयल के द्वारा लिया गया है। और यहाँ पर हम पिछले 3-4 हफ्ते से हर संडे आकर क्लीनिंग कर रहे हैं। उसके साथ में जब हमें पता चला कि अभिनय गुरुकुल से बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है हमारा मोहल्ला चकाचक, तो जब हमने इनसे संपर्क किया और यहाँ पर एक छोटा सा एक कोशिश की है कि जिससे लोगों को अवेयरनेस आए और वो गंदगी ना फैले।